हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बोला भी था कि आप लोगों को जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, पीपीएफ है, इनमें से हम लोग को जो रिटर्न मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट करने के जितना नहीं होता है। तो इनफैक्ट हम लोग वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को एक तरीके से लॉस ही हो रहा है, क्योंकि उसके कंपेयर में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा है, तो वहां पे हमको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट हमारा पैसा जो है वहां पे ब्लॉक हो रहा है और हमको नुकसान हो रहा है। सो काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड जैसे पॉपुलर होते जा रहा है, वैसे ही एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो भी पॉपुलर होते जा रहा है। सो ये एसआईपी जो है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ही एसआईपी बोला जाता है, पॉपुलरली इसको एसआईपी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इट अलाउज यू टू इन्वेस्ट अ स्मॉल सम रेगुलरली इन योर प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। मतलब एसआईपी जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक स्कीम होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में से एक स्मॉल अमाउंट जो होता है वो रेगुलरली उसके प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड पढ़ाए थे, सो जिस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है वो एक फिक्स अमाउंट को रेगुलरली वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है एसआईपी के थ्रू। तो एसआईपी बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर को अलाउ कर रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाता है, म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका जो होता है उसको एसआईपी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आप लोग स्मॉल से स्मॉल अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और रेगुलरली आपके बैंक अकाउंट में से वो पैसा जो होता है वो म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होते जाएगा। सो आपको यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली। मतलब यहाँ पे आप लोग को इन्वेस्टमेंट अगर वीकली करना है तो वीकली भी कर सकते हो, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार करना है तो वो भी कर सकते हो, मंथली और क्वार्टरली भी कर सकते हो। बाय एक्टिवेटिंग एन एसआईपी, मतलब जब आप एसआईपी परचेस करते हो, अ फिक्स अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट पीरियोडिकली। आपके अकाउंट में से क्या होता है, आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है बैंक को कि ये तारीख को मेरे अकाउंट में से पैसा जो है डिडक्ट होगा और म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आपको बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना है, उस डेट पे आपके अकाउंट में से पैसा जो होता है वो डिडक्ट होता है, विच गेट्स इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड ऑफ योर चॉइस, और वो पैसा डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। अनलाइक द लमसम इन्वेस्टमेंट, यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट ओवर अ टाइम विथ एन एस आई पी। मतलब देखो, एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे आपको एक पूरी की पूरी अमाउंट एक ही साथ इन्वेस्ट करनी होती है। एस आई पी में ऐसे नहीं होता है। एस आई पी में क्या होता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो होता है वो क्या करते रहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। सो लमसम में आपके पास पूरा अगर पैसा अगर एक साथ होगा तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एस आई पी आपको क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो यू स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम विद एन एस आई पी। मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सपोज एक साल हम लोग ने सिलेक्ट किया तो पूरे साल भर आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जो इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरा लमसम आपके पास होने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर यू डोंट नीड टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू गेट स्टार्टेड विथ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू एस आई पी। तो यहाँ पे आपके पास एकदम लार्ज अमाउंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बाय इन्वेस्टिंग वाया एन एस आई पी यू आर फोर्स टू सेट असाइड अ सम एट रेगुलर इंटरवल। मतलब एस आई पी की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं उनको एक फोर्स होल्ड किया जाता है। फोर्स मतलब क्या कि उनको एक तरीके से डिसिप्लिन लगता है कि हमको हर महीने इतना पैसा बाजू में रखना है, बिकॉज वो पैसा डिडक्ट होकर हमारे म्यूचुअल फंड में जाने वाला है। सो एक तरीके से अच्छी आदत है ये, जो इन्वेस्टर्स को लगती है कि अपने जो भी इनकम है उसमें से कुछ पैसा हमको बाजू में रखना है जो हमारे म्यूचुअल फंड में एस आई पी के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा। विच विल हेल्प यू टू इंस्टिल द सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द लॉन्ग रन। इंस्टिल मतलब कि आदत लगना, तो इससे क्या होता है, आपको एक आदत लगती है कि आप लोग यहाँ पे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा पैसा आपको बाजू में रखना है जिसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज करने वाले हो। सो आपको यहाँ पे एस आई पी का मीनिंग समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट होता है जिसको आप क्या करते हो, पीरियोडिकली आपके बैंक अकाउंट में से आपके म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कराते हो, तो उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। इसका फायदा यही होता है कि एक स्मॉल अमाउंट को आप लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहते हो तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, आपको यहाँ पे लमसम अमाउंट होने की जरूरत नहीं है। अब ये एसआईपी कैसे काम करता है,
सो एवरी टाइम यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम थ्रू SIP, यू परचेज सर्टन नंबर ऑफ फंड यूनिट्स करेस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट यू इन्वेस्टेड. मतलब क्या कि आप लोग जब भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ यूनिट जो होते हैं वो मिलते हैं. जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूनिट मिलते हैं. यू डोंट नीड टाइम टू मार्केट वेन इन्वेस्टिंग थ्रू SIP एज यू बेनिफिट फ्रॉम द बोथ बुलिश एंड बेयरिश मार्केट ट्रेड. मतलब क्या कि यहाँ पे आप लोगों को मार्केट जो होता है उसको ऑब्जर्व करते नहीं बैठना पड़ता है. यहाँ पे आपको दोनों तरीके से फायदा हो रहा है. जब मार्केट में बुल होता है, बुल मतलब मार्केट जब तेजी में चलता है ऊपर जाता है, और बेरिश मतलब क्या होता है, बियर मतलब मार्केट जो होता है वो डाउन होता है. सो दोनों टाइम पे यहाँ पे आप लोग पैसा कमा सकते हो. सो SIP जो है उसमें आप लोगों को मार्केट के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करके, या मार्केट नीचे आ रहा है तो हमको इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज SIP जो है आपको बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट जो होता है दोनों में बेनिफिट देता है. वो कैसे, मैं आगे वो आपको बताने वाला. व्हेन द मार्केट्स आर डाउन यू परचेज मोर फंड यूनिट्स व्हाइल यू परचेज फ्यूअर यूनिट्स व्हेन द मार्केट्स आर सर्जिंग. इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका मार्केट डाउन जाता है मतलब मार्केट नीचे आते ही रहता है, तभी आप लोग क्या करते हो यहाँ पे SIP के थ्रू ऑटोमेटिकली ज्यादा फंड परचेस करते, बिकॉज आपका मार्केट कम कम होते जा रहा है. सो जैसे मार्केट कम कम होते जाता है हम लोग ज्यादा यूनिट परचेस करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कम यूनिट परचेस करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होते रहता है SIP में. तो आपको एक फायदा मिल रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है तो कम हम लोग परचेस करेंगे, और मार्केट अगर कम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा यूनिट जो है वो SIP के परचेस करेंगे. सिंस द NAV ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, द कॉस्ट ऑफ परचेस में वैरी फ्रॉम द वन SIP इंस्टॉलमेंट टू द अनदर. इसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसके NAV जो होते हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं. NAV मतलब क्या होता है, नेट असेट वैल्यू. मतलब म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसको NAV बोला जाता है. जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है, जिसको NAV बोलते हैं. सो ये NAV जो होता है वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है. जैसे मैंने बोला शेयर का प्राइस चेंज होता है वैसे NAV म्यूचुअल फंड का चेंज होते रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग इस महीने में जो SIP का इंस्टॉलमेंट दोगे और उससे जो आपको NAV मिलेगे वो आपके अगले टाइम के SIP के इंस्टॉलमेंट से अलग होंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर सपोज आप लोग 1,000 रुपए का SIP का इंस्टॉलमेंट भर रहे हो और एक NAV जो है वो आपका कितना है, 10 रुपए का है, तो यहाँ पे आपको कितने या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलेंगे. तो एक का 10 रुपया है, आप लोग 1,000 रुपया भर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलेंगे. क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा, 1,000 रुपीज आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो और एक म्यूचुअल फंड का NAV है 10 रुपीज. सो 1,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमको इस बार कितने यूनिट मिलेंगे म्यूचुअल फंड के, 100. अगर सपोज नेक्स्ट महीने में आप लोगों का NAV जो है वो 20 रुपीज हो गया, मतलब एक म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस हो गया 20 रुपीज, और आप लोग यहाँ पे SIP का इंस्टॉलमेंट कितना भर रहे थे, 1,000 रुपया, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी कितने यूनिट्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 50 यूनिट्स मिलेंगे, मतलब 1,000 डिवाइडेड बाय 20. सो देखो यहाँ पे NAV जो होता है मतलब म्यूचुअल फंड का एक यूनिट जो होता है उसका प्राइस चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से आपका SIP का इंस्टॉलमेंट का वो जो म्यूचुअल फंड के यूनिट परचेस करने का कॉस्ट होता है वो चेंज होते रहता है. जैसे NAV अगर आप लोगों का 10 रुपया था और आप लोग 1,000 रुपए का SIP का इन्वेस्टमेंट भरते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कितने यूनिट मिल रहे थे, 100. पर अगर सपोज आपका NAV चेंज हो गया जैसे कि 20 रुपया हो गया और आप लोग 1,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट भरते हो तो आपको अभी यूनिट कितने मिलेंगे, 50. सो आप लोगों का NAV यहाँ पे चेंज होते रहता है डेली बेसिस पे. इसके वजह से आप लोग SIP का इंस्टॉलमेंट जो होता है उससे जो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के यूनिट परचेस कर रहे हो वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. तो एक याद रखना, NAV जो होता है वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है. तो इसके वजह से आप लोग जितने भी यूनिट्स परचेस करोगे हर बार उतना आपका वो यूनिट चेंज होते रहेगा जैसा NAV का प्राइस होते जाएगा. ओवर द टाइम द कॉस्ट ऑफ परचेस एवरेज आउट एंड टर्न्स आउट टू बी ऑन द लोअर साइड, दिस इज नोन एज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. अभी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है ये मैं आप लोगों को जब एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू इन्वेस्ट इन द लमसम. तो ये जो लाइन से इसका मीनिंग मैं आप लोगों को जब एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा. SIP क्लेम्स टू एनकरेज द डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या होता है, SIP के वजह से लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन आता है. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम लोग के अकाउंट में से हर महीने या जो भी वीकली है या कोई
क्वार्टरली है, हमारे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं उतना पैसा जो है साइड में निकाल के रखते हैं। तो एक तरीके का लोगों को सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन या आदत लग जाती है यहाँ पे। SIPs आर फ्लेक्सिबल, द इन्वेस्टर में स्टॉप इन्वेस्टिंग इन अ प्लान एनी टाइम और में चूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब क्या कि यहाँ पे SIP जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर को अगर सपोज SIP ने इन्वेस्ट नहीं करना है तो वो स्टॉप कर सकते हैं, और अगर सपोज उनको अमाउंट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो वो अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि 1,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे थे तो उसको अगर कम करना है या उसको अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। SIP इज यूजुअली रिकमेंडेड टू द रिटेल इन्वेस्टर्स हु डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू परस्यू द एक्टिव इन्वेस्टमेंट। अभी रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए SIP काफी अच्छा होता है, बिकॉज उनके पास लमसम अमाउंट नहीं होता है या वो लोग इतना ज्यादा मार्केट में वॉच नहीं रखते हैं, उतना टाइम उनके पास नहीं होता या उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती है, उन लोगों का मार्केट के ऊपर ध्यान रहता है, तो उनके लिए जो मार्केट है मतलब शेयर मार्केट वगैरह है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट में उतना ध्यान वगैरह नहीं वो लोग देते हैं, तो उसके लिए SIP जो है उनके लिए रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। SIP इन्वेस्टमेंट इज गुड चॉइस फॉर दोज इन्वेस्टर हु डू नॉट पोजेस द इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि SIP जो होता है वो उनके लिए अच्छा होता है जिनको फाइनेंशियल मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है। द बेनिफिट ऑफ SIP इज इट्स रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट ऑफ द यूनिट परचेस एज वेल एज द कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एंश्योर दैट नो अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड अराइजिंग आउट ऑफ द मार्केट। अभी ये सब क्या होता है एवरेज कॉस्ट वगैरह, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेज में बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही आप लोग यहाँ पे समझ लो कि SIP में क्या होता है कि आपका पैसा जो होता है वो फिक्स अमाउंट जो होता है आप लोग हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते जाते हो, तो उसको SIP बोला जाता है या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SIP। अभी SIP के एडवांटेजेस में ये जो एवरेजिंग द कॉस्ट है, ये मैंने आपको बोला था कि मैं जब एडवांटेजेस पढ़ाऊंगा तभी बताता हूँ, तो उसके लिए अभी हम लोग पहले देखते हैं कि पहला SIP का एडवांटेज क्या है, एवरेजिंग द कॉस्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है या एवरेजिंग कॉस्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड रूपी कॉस्ट एवरेजिंग विथ एन एग्जाम्पल। सपोज यू इन्वेस्ट ₹1,000 एवरी मंथ इन एन इक्विटी फंड थ्रू SIP। मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पे हर महीने ₹1,000 जो है वो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। द स्टॉक मार्केट्स आर हाईली वोलेटाइल। स्टॉक मार्केट जो होते हैं हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने एक तरीके से कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के थ्रू। और ये स्टॉक मार्केट जो होते हैं हाईली वोलेटाइल होते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। द नेट असेट वैल्यू NAV जो होता है ऑफ द इक्विटी फंड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का NAV होता है या प्राइस जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। इट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट एट द सेम टाइम NAV एवरी मंथ। मतलब हर बार जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको NAV जो होगा वो सेम नहीं होगा। इफ यू इन्वेस्ट ₹1,000 एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी टू जून इन अ पर्टिकुलर ईयर, योर SIP इन्वेस्टमेंट वुड लुक लाइक दिस। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने जनवरी टू जून इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपका NAV है। NAV मतलब आपको पता है म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है एक यूनिट का, उसको NAV बोलते हैं। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो हर महीने आप लोग ₹10,000 जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो डिवाइडेड बाय NAV जो होगा, मतलब एक यूनिट का प्राइस जो होगा उस हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो होते हैं म्यूचुअल फंड के कैलकुलेट किए जाते हैं। सो ये म्यूचुअल फंड का प्राइस है और ये म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स है। तो यहाँ पे देखो जनवरी में आपका जो नेट असेट वैल्यू है NAV जो है वो ₹100 था, मतलब एक म्यूचुअल फंड का प्राइस कितना है 100, और आपने कितना ₹10,000 इन्वेस्ट किया है। तो अगर यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय NAV मतलब 100 करेंगे तो कितना आता है आपके पास म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स आते हैं। फिर फेब्रुआरी में सपोज NAV जो है चेंज हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला जैसे आपका मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का NAV जो होता है ऊपर नीचे होता है। तो सपोज आपका मार्केट नीचे गया और वो हो गया आपका NAV 95, मतलब अभी ये म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस कितना है ₹95। तो इसको अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट म्यूचुअल फंड के कितने आएंगे 105।
सेम अगर सपोज मार्च में आपका एनएवी जो है 96 है, उसको अगर आप लोग 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट कितने आएंगे, 104। अप्रैल महीने में वापस से आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तभी एनएवी कितना था, 93, और यहाँ पे फिर आपको यूनिट कितने मिलेंगे, 108। देन मई महीने में आपका एनएवी हो गया 94, तो आपके पास यूनिट कितने आएंगे म्यूचुअल फंड के, 106। और जून महीने में आपका एनएवी कितना है, 98, और आपको यूनिट कितने मिले, 102। तो ऐसे अगर आप लोग ये सब यूनिट का टोटल करोगे तो 625 यूनिट्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं म्यूचुअल फंड के। सो टोटल आपने यहाँ पे 625 यूनिट कलेक्ट किए हुए हैं। तो सिंपली याद रखना, यहाँ पे मैंने 6 महीने लिए हैं, हर महीने हम लोग 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये म्यूचुअल फंड की प्राइस है। अगर 10,000 को हम लोग ये एनएवी जो है इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे आएंगे कि हमको कितने यूनिट मिलने वाले हैं। तो पहले महीने में 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको कितने म्यूचुअल फंड के यूनिट मिल रहे हैं, 100। फेब्रुआरी में अगर आप लोगों का एनएवी 95 रुपीज है तो 10,000 को 95 से डिवाइड करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स मिलेंगे, 105। सो लाइकवाइज यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल द एवरेज परचेस प्राइस फॉर यूनिट ऑफ इक्विटी फंड वॉज ₹96। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सपोज ये 576 डिवाइडेड बाय 6 महीने अगर करते हैं, मतलब ये एनएवी का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एवरेज निकालेंगे। कभी भी याद रखना, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके ये एनएवीज होते हैं वो सब एनएवी का यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 6 से डिवाइड करेंगे पूरे जो एनएवी है उसको। अगर आपने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 12 से डिवाइड करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में हमने जनवरी टू जून मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था और टोटल एनएवी का हमारा कितना आ रहा है, 576। तो यहाँ पे हम लोग अगर सपोज ये एनएवी का एवरेज निकालेंगे, 576 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे हम लोग का एनएवी का एवरेज प्राइस कितना आता है, 96 रुपीज। फिर बाद में आगे लिखा है, एंड यू परचेज अ टोटल ऑफ 625 यूनिट्स, और आपने परचेस कितने किए हैं, 625 यूनिट्स परचेस किए हुए हैं। सो देखो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि जब हम लोग ने यहाँ पे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया तभी हम लोग को यहाँ पे टोटल 625 यूनिट्स मिले, और पर यूनिट हम लोग का यहाँ पे एनएवी जो है वो 96 है। और अगर एक साथ हम लोग जनवरी में परचेस करते तो हम लोग को यहाँ पे क्या होता, 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो हम लोग को 600 यूनिट मिलते और पर यूनिट जो प्राइस होता वो 100 होता। सो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर एक साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को शायद ऐसे हो सकता है कि कम यूनिट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली हर महीने अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे तो हमको यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट जो है वो म्यूचुअल फंड के मिल सकते हैं, जो एवरेजिंग कॉस्ट की वजह से पॉसिबल होता है। सो एसआईपी हम लोग को एवरेजिंग कॉस्ट का बेनिफिट देता है। दूसरा है कंपाउंडेड रिटर्न। कंपाउंडेड रिटर्न, कंपाउंडिंग का आपको पता है सबको कि यहाँ पे क्या होता है कि देखो एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू इन्वेस्ट ₹100 इन एन इक्विटी फंड विच फेचेस यू रिटर्न ऑफ 10% पर एनम। मतलब आप ₹100 इन्वेस्ट करते हो और उसमें से आपको अभी क्या होता है, पर एनम 10% इंटरेस्ट मिलता है। तो ₹100 का पर एनम आपको यहाँ पे ₹10 इंटरेस्ट मिलेगा। यू डू नॉट टेक आउट योर प्रॉफिट फ्रॉम द इक्विटी फंड विच इज इफेक्टिवली री इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। मतलब आप क्या करते हो, वो जो आपको ब्याज मिल रहा है वो आप ले नहीं रहे हो, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अभी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 110 रुपीज, मतलब 110 रुपया। सो इसको ही क्या बोला जाता है, कंपाउंडिंग। तो अभी अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा या ब्याज मिलेगा तो वो आपको 110 पे मिलेगा, 100 के ऊपर नहीं मिलेगा। सो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट को आप क्या कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके वजह से क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐसा कंबाइन होकर आपको यहाँ पे हायर अमाउंट के ऊपर जो होता है वो इंटरेस्ट मिलता है। तो एसआईपी में आपको वो बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसआईपी का, कि एसआईपी में जो होता है इसमें स्मॉल अमाउंट को रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे ₹500 तक की जो स्मॉल अमाउंट है वो इन्वेस्ट करके यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। इसके वजह से जो सैलरीड लोग होते हैं, जो जिनका रेगुलर इनकम वगैरह होता है, तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट के साथ एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रेगुलरिटी इन इन्वेस्टमेंट, अभी क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो काफी बार क्या होता है कि हम लोग किधर इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कुछ समझ में नहीं होता है। लेकिन एसआईपी की वजह से हम लोग को एक आदत सी लग जाती है कि हम लोग को हर महीने इतना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, रेगुलरिटी आ जाता है। देन लिक्विडिटी,
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आप लोगों को पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो आप लोग यहाँ पे एसआईपी में से पैसा निकलवा सकते हो। सपोज आप लोगों ने यहाँ पे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो या डिसकंटिन्यू कर सकते हो, और आपको जो भी कैश चाहिए वो कैश आप यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बाद में हमारा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। आपको अगर कभी भी डिसकंटिन्यू करना है तो आप लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हो, और आपको आपकी कैश जो होती है वो अवेलेबल हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी यहाँ पे क्या होता है कि एसआईपी जो होता है ये इन्वेस्टमेंट काफी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होंगे वैसे। जैसे कि सपोज आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते थे, अगर आप लोगों को 1,000 कम करके 500 करना है तो आप लोग 500 कर सकते हो, अगर 1,000 को बढ़ा के 2,000 करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये एसआईपी आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देन नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस टू इन्वेस्टर, मतलब एसआईपी के वजह से इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में काफी ज्यादा कन्वीनियंस मिलता है। मतलब इन्वेस्टर को यहाँ पे किसी भी तरीके से एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एसआईपी जो होता है वो स्टार्ट करना काफी इजी होता है, और उसको आप लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर भी कर सकते हो कि कैसे आपका एसआईपी का एनएवी जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ शुरुआत में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ती है, जैसे आपको बैंक को वगैरह ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होने के लिए, आपको केवाईसी वगैरह करना पड़ सकता है, पर बाद में आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक कन्वीनियंस मिल रही है, आप आराम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट कर सकते हो, और आपके एसआईपी को आप टाइम टू टाइम ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है, उसका एक डिसिप्लिन लग जाता है, एक आदत लग जाता है। जैसे मैंने रेगुलरिटी में आपको बताया था, तो आपको पता है कि हर महीने के 7 तारीख को, 10 तारीख को या 15 तारीख को जो भी आपने बैंक को बोला होगा उस टाइम पे आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होने वाला है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो अपने अकाउंट में उतना पैसा लग रखते हो। तो एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हमको कुछ पैसा जो है जो हमने कमाया है उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट भी करना है। सो इन्वेस्टमेंट का आपको एक यहाँ पे आदत लग जाता है जिसको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बोल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स फ्री रिटर्न। टैक्स फ्री रिटर्न का मतलब क्या होता है, एसआईपी के थ्रू जो हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से जो हम लोग को रिटर्न मिलने वाला है, इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वही अगर हम लोग बैंक में एफडी वगैरह करते हैं तो एफडी के ऊपर आपको पता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। सो एसआईपी का जो रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होता है, और एफडी वगैरह जो होता है उसका रिटर्न जो होता है वो टैक्सेबल होता है। एंड द लास्ट वन इज मिटिगेट द रिस्क, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, और इसके वजह से क्या होता है मार्केट वोलेटिलिटी जो होता है, मतलब मार्केट जो ऊपर नीचे होता है उसको हम लोग बीट कर सकते हैं। एक ही साथ में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट अगर गिर गया तो हमारा पैसा वहां पे लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी कैसे कर रहे हैं रेगुलरली कर रहे हैं। सो मार्केट जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बीट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर जाता है वैसे ज्यादा यूनिट परचेस किए जाते हैं, और मार्केट जैसे नीचे आता है वैसे हम लोग यहाँ पे कम यूनिट परचेस करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो रहा है, और रुपी एवरेजिंग कॉस्ट की वजह से क्या होता है मार्केट की वोलेटिलिटी जो होती है उसको बीट किया जा सकता है। सो मिटिगेट द रिस्क में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसकी वजह से मार्केट में जो वोलेटिलिटी होते रहता है ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट, उसको यहाँ पे बीट किया जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसआईपी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि इट इज अनसुटेबल फॉर इररेगुलर इनकम फ्लो, मतलब जो एसआईपी होता है वो क्या होता है कि जिनका इररेगुलर इनकम होता है मतलब फिक्स इनकम नहीं होता उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। जो फिक्स इनकम वाले लोग हैं वो लोग क्या करेंगे हर महीने अपने इनकम में से थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास फिक्स इनकम नहीं है वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। देन सेकेंड डिसएडवांटेज इज प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो जो इंस्टॉलमेंट एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको सडनली चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस केस में वो जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा यूनिट परचेस करना चाहता है, इसके लिए वो अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ाना चाहे तो वैसा नहीं हो सकता है। अमाउंट को चेंज किया जा सकता है लेकिन अमाउंट को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे आप लोग सडनली यहाँ पे अमाउंट जो चेंज नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम है। इनसफिशियंट फंड, जैसे आप लोग के अकाउंट में से हर महीने एक जो पर्टिकुलर डेट होता है उसमें अकाउंट में से पैसा जो होता है डिडक्ट होते रहता है,
इन केस अगर आपके अकाउंट में उस दिन पैसा नहीं होगा तो आपके अकाउंट में से एसआईपी में पैसा जाएगा नहीं, और फिर आपको वो महीने का इंटरेस्ट जो है मिलेगा नहीं। तो इनसफिशियंट फंड अगर अकाउंट में होता है तो वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए एसआईपी के लिए आपके अकाउंट के अंदर उतना पैसा जो रेगुलरली होना जरूरी है। देन डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रिटर्न, मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लमसम अमाउंट जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे करने में इजी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग रेगुलरली थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता है वह एवरेज में मिलता है, मतलब आपको यहाँ पे कैसा है कि जितना भी एवरेज होगा वो आपका सारा एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न पे किया जाता है। सो वो एक यहाँ पे एसआईपी में डिसएडवांटेज होता है। सो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।